सर आज खबर ये है कि आपकी वाइफ का भी बर्थडे है, तो वो आप मिस कर रहे हैं या विश कैसे करेंगे? देखिए विश क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इस बदतमीजी के लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा रजनीगंधा खा लिया है, अपने दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा। आज मेरी पत्नी नीलिमा सिंह का भी बर्थडे है, अक्षरा का है हमसे अभी दूर, पर उसका भी एक मातृत्व या माता के प्रति जो प्रेम है वो एक गिफ्ट के रूप में उनका भी आया। मैं अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करता हूँ और शायद आज मेरा घर अगर फला फूला है या एक पारिवारिक बंधन में बंधा है तो उनका योगदान बहुत है। मैं दिल से अपने पत्नी नीलिमा सिंह का आभार प्रकट करता हूँ और उनके जन्मदिन पर उनको ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ कि हमने जवानी इस फिल्म इंडस्ट्री में गुजार दिया एक विलेन के रूप में, पर पर्सनल जीवन में मैं वैसा हूँ नहीं। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने हमारे परिवार को, विपिन सिंह, नीलिमा सिंह, अक्षरा सिंह को आपने प्यार स्नेह दिया, वैसे ही जब तक हमारी ज़िंदगी है आप लोग प्यार आशीर्वाद देते रहें और हम तीनों पे ऐसे ही कृपा बनाए रखें। और कुछ नहीं, मैं दिल से आभार उनको प्रकट करता हूँ, अपनी पत्नी को, और दर्शकों से भी कहता हूँ कि अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखें। अक्षरा सिंह को आजकल लोग बहुत दर्शक पसंद करते हैं, खुद के बेस पे, खुद के लेवल पे सिंगिंग करने के बाद बहुत बड़ा नाम कमाया है, तो एज ए बाप, एज ए फादर आप कैसे देखते हैं? अक्षरा सिंह जब पैदा हुई वो मेरे जीवन काल में कभी भी लड़की नहीं रही, मैंने उसको बचपन से ही लड़के जैसा उसके साथ ट्रीट किया। आज वो लड़कों के जैसा ही दबंग और एक सशक्त कलाकार है, मुझे गर्व है उस बेटी पे, बेटी कहता हूँ, लेकिन मैंने कभी उसको बेटी बुलाया ही नहीं, हमेशा बेटा 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 इधर आओ इधर आओ। आज उसका नतीजा है या मेरे परवरिश का नतीजा है कि अक्षरा सिंह एक सशक्त और दमदार अभिनेत्री के रूप में लोगों के बीच आई है। लाख उसको काटने की कोशिश की गई, बड़े बड़े स्टार, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर बड़े बड़े लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वो लड़की अकेले अपने दम पे और दर्शक अपने चाहने वाले दर्शकों के बदौलत खड़ी रही और आज भी है। मुझे गर्व है, मुझे फख्र है अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह एज ए फादर आप दो अच्छाई बताइए जो अक्षरा सिंह में बहुत ज़्यादा आपको पसंद है। अक्षरा सिंह काम के प्रति जुनूनी है, पागल है, क्या रात क्या दिन क्या खाना क्या पीना सब कुछ भूल जाती है। वो काम जब करती है तो न रात देखती है न दिन देखती है, और दूसरी गुण उसमें सबसे बड़ी है कि वो अपना संस्कार अपने जीवन में कभी नहीं भूली, माता पिता के प्रति उसका उतना ही स्नेह है जो एक भोजपुरिया परिवार में एक बेटी का या बेटा का बाप के प्रति माँ के प्रति होना चाहिए, वैसे ही संस्कारी है, और ये दुगुण उसमें कूट कूट का भरा है जिसकी तारीफ मैं बाप के नाते दिल खोल के करता हूँ। मेरे ख्याल से बहुत दर्शक भी अवगत होंगे इस बात। अक्षरा सिंह की कोई एक ऐसी चीज जो आपको नापसंद हो, एज ए फादर आप डांटते हो बेटा ये नहीं करो, वो क्या है जो आपको नापसंद लगती है? उसका प्यार, वो पास आती है काम करने के बाद, पापा चलें आज जरा सा बाहर, कहे बेटा आप लोग बहुत काम कराते कराते घर में थक गए हो, चलो बाहर से कुछ खा के आते हैं। आपको ना पसंद है? हाँ, मुझे लगता है कि इतने यत्न से इतने परिश्रम से वो लड़की पैसे एक एक पैसे अर्जन कर रही है और आती है बाप पे माँ पे करती है कि 5,000-10,000 खर्च कर दो, तो लगता है बेटा काहे कर रही हो यार, रुक जाओ रुक जाओ, ये 10,000 बचा के रखो आगे किसी चीज़ में काम आएगा। तो ये नागवार भले गुजरे कहने को है बातों में, पर ये भी एक प्यार है।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.